सुस्वागतम आप सभी का करता हूं मैं करदम रावल एक ऐसे यूट्यूब चैनल के अंदर जहां पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा यूपीएससी और बैंकिंग एग्जाम्स का ज्ञान और करंट अफेयर का नॉलेज यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रिसेंटली दिसंबर 2018 के अंदर नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कुछ यहाँ पर पहले इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो हर 15 साल के अंदर सेट किए जाते हैं और इसके जो है अचीवमेंट्स के लिए 15 साल का टाइम फ्रेम होता है। मिलेनियम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2000 की साल के अंदर जो है डिसाइड किए गए थे, उसका एनालिसिस और किस तरीके से अचीवमेंट हुआ है और नए कौन से गोल्स होंगे उसका यहाँ पर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में सेट किया। अब जो है आने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और कितने अचीव प्रीवियसली सेट गोल्स है वो कितने अचीव हुए हैं उसका एनालिसिस होगा 2030 के अंदर। तो यहाँ पर जो है इंडिया ने नीति आयोग के यहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट जो है 2018 की जो है यूएन के साथ मिलके बनाई है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो कौन सेट करता है तो यूनाइटेड नेशंस जो है इसको सेट करता है। अब इसके अंदर आपको पता होने चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओरिजिनली है कितने। तो टोटल यहाँ पर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिसके अंदर इंडिया जो है वो 13 सस्टेनेबल गोल्स को जो है अभी टारगेट में रख के चल रहा है। अभी यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं यहाँ पर 3 पिलर्स के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फोसिस किया जाता है, वो है इकोनॉमी, एनवायरमेंट और सोशल। यानी कि इकोनॉमी का भी आपको एनालिसिस करना है, एनवायरमेंट का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और जो सोसाइटी है जो लोग है वो भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो जो नीति आयोग ने रिसेंटली बेसलाइन रिपोर्ट बनाया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 का वहां पर यूएन के साथ मिलकर बनाया है और इस रिपोर्ट के अंदर हमने 17 में से 13 यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको हमने यहाँ पर कवर अप किया है। अब ये जो 4 हमने नहीं किए हैं उसके पीछे जो कारण है वो कारण क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हर किसी नेशन के ऊपर लागू नहीं होते। तो इसी तरीके से जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वहां से 13 ही गोल ऐसे है जो इंडिया के ऊपर लागू होते हैं। अब यहाँ पर जो स्कोर निकल के आया है दिसंबर 2018 का तो वो 58 यहाँ पर 100 में से 58 हमने स्कोर किया है। ये जो परफॉर्मेंस है वो कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं अच्छी है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल हमें और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को इंडिविजुअली यहाँ पर जो है कास्ट किया गया और यहाँ पर एनालिसिस किया गया तो हिमाचल प्रदेश और केरला का यहाँ पर जो है रैंक नंबर 1 आता है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिस्ट के अंदर। उसके अंदर हम ये दो स्टेट हो गए दोनों का नंबर जो है वो फर्स्ट है, वेयर एज यूनियन टेरिटरी में और सभी यूनियन टेरिटरी में जो है चंडीगढ़ नंबर 1 है और स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कंबाइंड लिस्ट के अंदर चंडीगढ़ का 68 स्कोर के साथ यहाँ पर फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है। फिर आता है तमिलनाडु, उसके बाद है पुडुचेरी, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स की अंदर हम बात करें तो स्टेट वाइज अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी और इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, केरला और तमिलनाडु जो है यहाँ पर इन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है। और अगर वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश का पॉवर्टी इरेडिकेशन और इनइक्वालिटी बिटवीन द जेंडर्स यहाँ पर सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है। केरला का जो यहाँ पर रैंक है वो हेल्थ, हंगर के अलावा जेंडर इक्वालिटी और एजुकेशन के अंदर टॉप करता है। हिमाचल प्रदेश का जो है क्लीनलीनेस और वाटर सिस्टम और सैनिटेशन के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और चंडीगढ़ जो है उन्होंने एनवायरमेंट का ख्याल रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया है, वेरस क्लीनलीनेस के अंदर भी जो है चंडीगढ़ का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो पॉवर्टी इराडिकेशन के अंदर तमिलनाडु का परफॉर्मेंस टोटल नंबर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 के ऊपर है। क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने के अंदर जो है लिटरेसी रेट ऑल ओवर इंडिया सबसे पहला जिसका नंबर है केरला, उसका परफॉर्मेंस है। फैसिलिटेटिंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर केरला और तमिलनाडु दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो सिक्किम, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ के यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। ग्रास रूट लेवल चेंजेस जो है यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं अमिताभ कांत जो नीति आयोग को सबसे एक्टिव रखते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर परफॉर्मेंस के हमारे यहाँ पर पैरामीटर सेट करेंगे और उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे बाय द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड वेरियस एनजीओस तो यहाँ पर और भी अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पर रिजल्ट्स के रूप में हम देखने को मिल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो है हम इसके कारण जो है कंपटीशन भी क्रिएट कर सकते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, अगर एक साथ यहाँ पर अलग अलग स्कोरिंग जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई गई है इस तरीके से हम जो है एक तरीके का कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट जनरेट कर सकते हैं जिसके अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक दूसरे के साथ अच्छे परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग मेहनत करेंगे और जो भी बहुत ही
पीछे रैंक अचीव करते हैं उन लोगों के लिए भी एक मौका होगा कि किसी ना किसी तरीके से अपने आप को जो है जो इंडेक्स बन रही है जिसके अंदर रैंकिंग्स मिल रहे हैं स्टेट को वहां पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे। और यहां पर एक पर्पस है जो मेन है वो है कि पॉपुलेशन, तो डे बाय डे यहां पर हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से 17% पॉपुलेशन हिंदुस्तान अकेले के पास है, तो इस पॉपुलेशन के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना एक काफी चैलेंजिंग टास्क है। तो यहां पर जो है अमिताभ कांत ने पॉपुलेशन को भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए यहां पर इस पूरे टॉपिक में कवर अप किया है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।